अब तक आपने देखा, भास्कर दरबार में प्रवेश करते ही वहाँ के मंत्रिमंडल को पूर्ण रूप से परिवर्तित देख स्तब्ध रह जाता है। तभी एक किसान गोपन्ना न्याय की गुहार लगाता है, परंतु साहूकार षड्यंत्र रच किसान को ही दोषी सिद्ध कर देता है। ये देख भास्कर विरोध में आवाज उठाता है। कैकला भास्कर को महल से बाहर फेंकवाने का आदेश देता है, परंतु उसी क्षण बाला कुमार को महाराजा के सिंहासन पर देख अवाक रह जाता है। तथाचार्य भास्कर से भेंट कर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे राजा के पलायन और उसके पिता की मृत्यु के संदर्भ में बताते हैं और नगर में आए कैकला के भय से अवगत कराते हैं। अब आगे विजयनगर का दुर्भाग्य अपने साथ इस कैकला को ले आया। कैकला? कौन है ये कैकला? कैकला बाला कुमारा का मामा है, उसे संभालने आया था, परंतु काल का विकराल मुख था जो विजयनगर को निकल गया। तो जहां फलता फूलता था आज वहां संहार झूलता है। कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया? झूठ का विरोध करने के लिए सत्य की शक्ति चाहिए होती है, और विजयनगर की शक्ति विजयनगर को त्याग चुकी थी। ये कैकाला जब आया था बड़ा शांत रहता था, चुपचाप गंभीर, अपनी मंशा स्वयं से भी छुपा कर रखता था। और फिर एक दिन वो सूचना भी आ गई। कौन सी सूचना? वन में आग लगने की सूचना, जिसकी लपटों ने विजयनगर को जलाकर भस्म कर दिया। महाराज महारानियां, पंडित रामाकृष्णा, महामंत्री तिमारासु, सबकी आहुति ले ली। और जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था ये कैकाला अपना असली रूप दिखाने के लिए। हमने जो निर्णय दे दिया वो निर्णय दे दिया, उसका पालन करना पड़ेगा आपको, समझे? क्या है? आपकी सेवा समाप्त हुई तथाचार्य, राजगुरु का पद त्याग दें। समझे कि नहीं समझे? पद त्याग दें? क्यों त्याग दें? कैसे त्याग दें? वैसे ही जैसे कृष्ण देव राय ने इस राज्य को त्याग दिया। विजयनगर को अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ए, तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? महाराज ने स्वयं अपनी अनुपस्थिति में हमें नियुक्त किया है, ये हमारा पद नहीं दायित्व है। दायित्व तो तब निभाओगे जब तन पर शीश बचेगा। परंतु हम क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? दरबार में एक कोना पकड़कर चुपचाप पड़े रहो, और यदि हमारे किसी भी कार्य में विघ्न डालने का प्रयत्न किया तो वो तुम्हारा अंतिम कार्य होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। वन में आग लगी, मेरे पिता जलकर मृत्यु के अधीन हो गए। बहुत अच्छी कहानी है दादा, किंतु मैं कहानियों में नहीं मानता। भास्कर, हमें भी यही आशा थी। उन्होंने हमारी आंखों के सामने कई बार
अपनी बुद्धि से निश्चित मृत्यु को उल्टे पांव वापस लौटाया, परंतु अब यही कहानी अनहोनी बन गई। जब कुछ दिनों के पश्चात हमारे गुप्तचर ये साक्ष्य लेकर जिन्हें हम सदैव अपने पास रखते, ये महाराज के हार का अंश और ये पंडित रामकृष्ण, ये प्रत्यक्ष है कि उन्हीं के, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कि अम्मा शारदा गुंडप्पा वो सब कहां चले गए? उनके विषय में कुछ पता नहीं चला। हाँ, सुनने में आया था कि पंडित रामकृष्ण के घर हमला हुआ था। कर ये घोर अनर्थ है, परंतु सत्य है। भास्कर, तुम्हारे बापू की मृत्यु हो गई है। तो ये रही, चढ़ जाओ जल्दी से। मुझे क्या था? अब पहिया अवश्य पूछेंगे। वो क्या है जो डेढ़ गज लंबा है किंतु चल नहीं सकता? कुर्सी। सही उत्तर। इतना स्नेह भी उचित नहीं है। बापू मुझे गुरुकुल नहीं जाना। बापू हाथी बापू, पता कह रहे हैं कि आप नहीं हो, किंतु मुझे केवल तीव्र गति से अपने हृदय की ध्वनि सुनाई दे रही है जो मुझसे कह रही है कि आप हो, और मैं एक दिन आपको अवश्य ढूंढ लूंगा। विजयनगर की हर स्थिति मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए विवश कर रही है कि आप नहीं हो, आपका अस्तित्व समाप्त हो गया है, किंतु मुझे विश्वास है कि आप जीवित हो। तिमिर संहारा, भास्कर शुभम कारा। कौन कौन है वहां?
तेरी पूरा घर अस्त व्यस्त है, किंतु ये कक्ष इतना साफ सुथरा, इतना व्यवस्थित कैसे है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ किसी का वास हो, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इस कक्ष में तो कोई नहीं है। मेरे और वायु के अतिरिक्त कोई नहीं है, मुझे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। डरा क्यों रहे हो? ताता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चार बार ताता कह चुके, ताता मत को, अभी हमारी उम्र ही क्या है। दर्पण देख लो, ज्ञात हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार लेने आए हो? क्या पुरस्कार, हम तो तुम्हारा पीछा करते हुए आए थे, तुम हमें वहीं छोड़कर चले आए। तो क्या किसी शुभ मुहूर्त में निकलता? किस मंशा से मेरा पीछा कर रहे हो? क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, विजयनगर को चाहिए। ओ तेरी ताता, पहले स्वयं के नाम पर मांगते थे, अब विजयनगर के नाम पर मांगना आरंभ कर दिया। हे भगवान, अभी भी तुम्हारी जीवा उतनी ही तीव्र चलती है। हमें आप आप कहते कहते तुम पर उतर आए। छोड़ो, जाने दो, हमारी बात सुनो। देखो ताता, मेरे पास फटी लंगोट तक नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? स्वयं को, स्वयं को, पंडित रामकृष्ण के पुत्र होने पर्याप्त है। अपने पिता की कुशलता, उनके कुछ तो गुण होंगे तुम में। या हमारी हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, बैठो। हमारा अनुरोध है भास्कर पुत्र, विजयनगर को उसका पहले जैसा स्वर्ण युग लौटा दो। महासंग्राम छेड़कर उस अत्याचारी कैकाला को परास्त कर दो, ठीक वैसे ही जैसे पंडित रामकृष्ण राज्य के शत्रुओं को परास्त किया करते थे। जो स्वप्न तुम देख रहे हो उसे तोड़कर बाहर निकलो, उसके पश्चात हमारे इस टूटे हुए घर से बाहर निकलो और अपने घर जाओ गुरु माता के पास। कौन गुरु माता? वरुण माला, वो तेरी अपनी पत्नी को भूल गए? हर पल हमारी स्मृति में रहती है वरुण माला, साथ में नहीं रहती, वो चली गई। कहाँ चली गई? अपने मायके, हमारा दुख नहीं देख पाई। उसका स्वभाव था ना हमारे हर कष्ट को अपने ऊपर लेने का। मैं समझा नहीं। हमसे दूर रहना उसके लिए अत्यधिक कष्टदायी था, उसी कष्ट को उठाने के लिए मायके चली गई। वहां बड़े सुख से, आराम से कष्ट उठा रही है, और सब उसकी और उसके कष्ट की आओ भगत कर रहे हैं। मैं उनका सुख अर्थात कष्ट भरा सुख अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तुम भी मुझे इस कष्ट से मुक्त करो और चलो यहाँ से प्रस्थान करो। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस तुम इतना विचार करो, तुम यहाँ आए हो, क्या ये स्वप्न है? नहीं, भूल है, और मैं अपनी उस भूल को सुधार रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कैसे जा सकते हो इस स्थिति में छोड़कर हमें? जैसे आया था, अन्यथा मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये देखो, अभी तक तो मैंने आवाज भी नहीं उठाई है और मेरा गला कटे कटे बचा है। ताता एक बात ध्यान से सुनो, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ। समय पर खाना पीना, छत और कुछ वस्त्र मिल जाए, मेरे लिए पर्याप्त है। उसके लिए मुझे कोई भी महासंग्राम छेड़ने की या इस संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भास्कर, तुम पंडित रामकृष्ण के पुत्र हो, क्या थे मुझे कुछ नया बताओ। बताने हैं, पूछ रहे हैं,
अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के स्थान पर तुम भाग खड़े होना चाहते हो। अब तुमने बिल्कुल सही पहचाना मुझे। और सुनो, मैं अन्याय का सामना बाद में करूंगा, पहले तुम सत्य का सामना करो। मैं फिर से कहता हूँ, मैं कोई महानायक नहीं हूँ, साधारण सा मनुष्य हूँ। मुझे मेरा भला बुरा आता है और मुझे तुम्हारे विजयनगर और उस कंकाला में कोई रुचि नहीं है, बस। शिव 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 कितने स्वार्थी निकले तुम। पंडित रामाकृष्णा का पुत्र कुपुत्र निकला, लज्जा नहीं आती ये सब बातें करते हुए? पंडित रामाकृष्णा के सारे पुण्यों को, उनकी धरोहर को मिट्टी में मिला दिया तुमने। अपने आप को भगोड़ा कहलवाना चाहते हो? और बोलो, मन में और भी कोई अपशब्द आ रहे हैं ना, वो भी बोलो। हृदय के किसी कोने में कोई क्रोध बचा रह गया है वो सब निकाल लो, क्योंकि कल सूर्योदय होने से पूर्व मैं यहाँ से चला जाऊंगा दादा। देखो, मेरा केवल एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को खोजना। और तुम्हें विजयनगर से क्या लेना देना? उस कैकाला ने तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कर दी तो तुम मुझे अपना माध्यम बनाकर उससे बदला लेना चाहते हो? तुम तो जरा भी नहीं बदले दादा, तुम्हारे लिए सदैव से अपना स्वार्थ ही सर्वप्रिय था ना। परिस्थितियों ने हमें सब सिखा दिया है कि हम त्रुटि पर थे, हम ही गलत थे। हां भास्कर, सत्य तो यह है कि हमारे व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है विजयनगर का भविष्य, और तुम आशा की एक वो किरण बनकर आए हो जिसका उजाला विजयनगर का सारा अंधेरा दूर कर देगा। और कुछ ना सही, यदि ईश्वर ने आधे गुण भी तुम्हें पंडित रामाकृष्णा के दिए हैं तो हम तर जाएंगे, हमारी नई अपार हो जाएगी। भास्कर, भास्कर, हे भगवान, ये फिर भाग गया। भास्कर, 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 रुको रुको, बैठकर बात करते। देखो, चलते चलते वैसे भी आधी बात समझ में आती। भास्कर रुको, अरे रुको तो सही, भास्कर हमारी बात। भास्कर, भास्कर, अरे क्या है ताता? देखो, देखो, जानती हो स्त्री कौन है? होगी तुम्हारी कोई जानने वाली, मुझे क्या? नहीं, ये उसी किसान गोपैया की पत्नी है जिसके साथ उस साहूकार ने भरे दरबार में सबके समक्ष उसके काला के साथ मिलकर अन्याय किया। देखो, इसका पति, घर, खेत सब लूट गया, अन्याय हुआ इसके साथ, और तुम इसे न्याय दिलवाओगे। भास्कर, विजयनगर दरबार में सदैव दुर्मलों के साथ न्याय होता आया है। याद आया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। दुखियारों का क्या होगा? अरे वही होगा जो उनके भाग्य में होगा। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे तुम? क्योंकि हमने और पंडित रामाकृष्णा ने प्रण लिया था विजयनगर की सुरक्षा का। दायित्व था हमारा कि राज्य पर कोई भी आंच ना आए। तो बापू अब तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जो प्रण लिया था उसे अकेले स्वयं पूर्ण करो। वही पूर्ण करने का प्रयास तो कर रहे हैं। ओ तेरी, मुझे फंसा कर? नहीं, फंसा कर नहीं, बताकर, तुम्हें तुम्हारा उत्तरदायित्व बताकर। अरे कौन सा उत्तर और कौन सा दायित्व दाता, मुझे छोड़ दो। और देखो, मुझे ना तो तुम्हारे इस विजयनगर से कोई लेना देना है, ना ही उस कंकाला क्या काला या जो। शांत 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 भास्कर, शांत। उस दुर्जन का नाम अपने मुख पर नहीं लाते। यदि कोई उसका बुरा सोचता है तो वो उसी समय उसके सामने प्रकट हो जाता। वो जहां भी होता है वहां मातम की परछाई
और रुदन की खिलकारियों के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं देता।